मिलते पाए पर जी गॉड को फ्लश आउट किया गया। लुक्स लाइक ये जोन बहुत बहुत एक क्रूशियल रहेगा। ई-स्पोर्ट्स वाला भी इसी बीच में एलिमिनेट हो जाते हैं। जीरो फिनिशर्स के साथ साथ सात टीम्स बची हुई एंड काइनेटिक गेमिंग भी यहां पर वाइप आउट हो चुकी है। बिल्कुल जोनाथन को बाहर से वो कैरी करके लेकर आए, क्योंकि देखिए अगर बाहर रिवाइवल करते तो कौन सा नंबर पर मिल सकता था, बट अभी के लिए जो मैं देख पा रहा हूँ नियो क्या आखिरी प्लेयर बचे हुए हैं। ओ नहीं नहीं नहीं, नियो नहीं, उनके साथ जो जोनाथन थे वो दूसरी दिशा की तरफ जाते नजर आ रहे, क्योंकि उन्हें पता है एक जगह पर रहना दोनों के लिए खतरे से खाली नहीं है। और एनिग्मा गेमिंग टॉप साथ में आ चुके हैं यहाँ पर, बट बाकी टीम्स कहाँ पर है यहाँ पर कैप्टन? मेरे ख्याल दूसरी दिशाओं की तरफ है, सर्कल के साउथ वेस्टर्न साइड में है गेम्स मोस्ट ऑफ द टीम्स का जो क्लस्टर रहेगा। बट देखिए यहाँ पर जोनाथन वो जा रहे हैं एनिग्मा गेमिंग के अगेंस्ट में। वेल चार प्लेयर्स है जोनाथन के लिए कवर में आ चुके हैं एंड लुक्स लाइक जोनाथन विद अ 1v3 स्प्रे, यहाँ पर एक 1v4 का पोटेंशियल भी जोनाथन लेके आ रहे हैं। ये प्लेयर किसी भी मोमेंट पे गंवाना नहीं चाहेंगे इस फाइट को, इस क्लच को। जिस एंगल से, जिस पोजिशन से आगे आते हैं, ग्रेनेड से समाप्ति। Godlike Jonathan with a 1v4. What was that? अकेले गए, अकेले जाके यहाँ पर Enigma Gaming को wipe out किया गया। Rampage mode. What the hell was that, Jonathan? हाँ, बिल्कुल again वो rampage mode पे आते नजर आएंगे। लेकिन चलिए Enigma के साथ खत्म हुई fight, but सामने है GS का यहाँ पर challenge, उनको भी करते हुए नजर आएंगे। 11 finish एक बार आते हैं and हमने एक इच्छा जाहिर करी थी कि क्या कैप्टन हमें ऐसा कोई खिलाड़ी देखने को मिलता नजर आएगा जो 10 finish निकाले and here we go 12 finish अकेले निकाल चुके यहाँ पर। लेकिन ये सब पॉसिबल नियो के कारण भी, क्योंकि नियो ने कहीं ना कहीं उनको यहां पर बचाने की कोशिश करी यहां पर, बट अभी के लिए नियो के लिए वहां पर पड़ चुके थे। अभी वर्सेस जोनाथन एक और खिलाड़ी, बट वो सर्कल के बाहर मुझे नजर आ रहा है, बट जोनाथन को एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल चुका है। क्या एक और ग्रिड से नॉकआउट करते हुए नजर आएंगे, मेरे ख्याल से अभी को भी खत्म कर दिया जाएगा। अभी के दिमाग में चल रहा था नियो का, और मुझे लग नहीं रहा अंदाजा है कि नहीं जा तो जरूर है, लेकिन क्या लगता है उनको स्पॉट करा हुआ है? I don't know, but I think, I guess कर लिया है। या, अभी देख लिया, अभी सोमराज को देख लिया। यहाँ पर लिटरली सोमराज के पास मौका रहेगा, बट सोमराज एक सिंगल एचपी से बच जाते हैं एंड लुक्स लाइक नियो के ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। बट अगर ये क्लच होता है सोमराज का, दिस विल बी द बिगेस्ट प्ले दैट ही हैज एवर मेड। हील अप करते हैं, हील अप करने के बाद धीरे धीरे उनको पहाड़ी चढ़ना पड़ेगा और ज्यादा जल्दबाजी नहीं कर सकते। रिवाइवल दिया जा रहा है, अगर ये ग्रेनेड सही जगह पे गिरता है सोमराज ये प्ले करके दिखा सकते हैं नियो। रिवाइवल छोड़ चुके हैं, सोमराज के ऊपर कनेक्शन बढ़िया सा, एक एम पे स्विच करेंगे, बट एचपी कहां है? नियो के पास एचपी ही नहीं है। गॉड लाइक विद 17 फिनिशेस राइट नाउ फिर से जा रहे हैं जोनाथन को रिवाइवल देने की कोशिश। रिस्क वो नहीं लेना चाहते हैं, यहां पर जवाब देने की कोशिश रहेगी। बट देखिए गॉड लाइक को जोन का एडवांटेज है, सोमराज भी जोन के अंदर स्नीक इन कर चुके हैं। जो फाइट लगा था कि गॉड लाइक कंप्लीटली हार जाएंगी, उसी फाइट के ऊपर कैपिटलाइज कर रहे हैं सोमराज। मुंह के अंदर बैठे हुए अच्छा खासा कनेक्शन एंड आई थिंक दिस इज गोना बी इट। आई फाइनली दिखता है पिक्सेल एंड नियो यहां पर खात्मा करेंगे 33।